अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 5। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 7.2 फ्रॉम चैप्टर परसेंटेज। स्टूडेंट्स, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड परसेंटेज इन आवर प्रीवियस वीडियो। नाउ आई वांट टू रिव्यू अबाउट परसेंटेज। व्हेन अ फ्रैक्शन इज रिटन विद 100 एज द डिनोमिनेटर, वी कॉल इट अ परसेंटेज। नाउ फॉर एग्जाम्पल, 69 अपॉन 100, सो 69 अपॉन 100 मीन्स 69%। 52 अपॉन 100, 52 अपॉन 100 मीन्स 52%। इन प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड व्हेन फ्रैक्शन इज कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज, इट इज मल्टीप्लाई बाय 100, एंड व्हेन percentage is converted into fraction, it is divided by 100। जब हम percentage को fraction में convert करते हैं तो 100 से divide करते हैं, और जब fraction को percentage में convert करते हैं तो 100 से multiply करते हैं। Now let's start exercise 7.2। Question number A, change the following percentage to decimal। अब परसेंटेज को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, 8%। 8% मींस 8 अपॉन 100। अब नाउ राइट टू लेफ्ट, आपने 100 में 2 जीरोज हैं, आपने 2 डिजिट्स मूव करना है, 1, 2 एंड पॉइंट। सो आंसर इज 0.08, और पॉइंट से पहले अगर होल नंबर ना हो तो राइट 0। सो आंसर इज 0.08। सेकेंड क्वेश्चन इज 15.5%, 15.5 अपॉन 100। नाउ पॉइंट मूव टू लेफ्ट टू राइट 2 डिजिट्स, 1, 2 एंड देन पॉइंट। नाउ आंसर इज 0.155, और आपके पास अगर हो नंबर ना हो पॉइंट से पहले तो राइट 0। सो आंसर इज 0.155। टू राइट 1/2%, 1/2 मीन्स 0.5, सो वी राइट 2.5 अपॉन 100। नाउ पॉइंट मूव टू आफ्टर 2 डिजिट्स, राइट टू लेफ्ट 1, 2 and then point, so answer is 0.025 answer. Question number B, change the following percentage to fraction in the lowest term. अब percentage को आपको fraction में convert करना है, उसके बाद lowest term बनानी है। 5% means 5 upon 100। नाउ सिंप्लीफाई 5 upon 100, 5 upon 100 सिंप्लीफाई विथ 5, 5 ones are 5 एंड 5 2 20s are 100, सो द आंसर इज 1 upon 20। 30 अपॉन 100, ये कन्वर्ट हो गई फ्रैक्शन में। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगी लोएस्ट टर्म में। नाउ 10 3s are 30 एंड 10 10s are 100, आंसर इज 3 upon 10। 64%, 64 upon 100, नाउ सिंप्लीफाई विथ 4, 4 ones are 4 एंड 4 6s are 24, 4 2s are 8 और 2 यहाँ कन्वर्ट हो गए 20, तो 4 5s are 20, तो आंसर इज 16 upon 25। क्वेश्चन नंबर सी, चेंज द फॉलोइंग डेसिमल टू परसेंटेज। अब डेसिमल को परसेंटेज में चेंज करना है। परसेंटेज बनाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0.17। अब पहले आप इसको 0.17 को फ्रैक्शन बनाएं। पॉइंट मीन्स 1 एंड आफ्टर पॉइंट बिफोर पॉइंट हाउ मेनी डिजिट्स, 2 डिजिट्स, 2 जीरोस। सो 17 upon 100 फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय 100। 100 और 100 सिंप्लीफाई हो गए, अब आपके पास सिर्फ 17 रह गया, दिस इज 17%। 0.94, बिफोर अ पॉइंट देर आर 2 डिजिट्स, सो 94 upon 100 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से 100 जो सिंप्लीफाई हो गया,
और आपके पास 94 इज द परसेंटेज. 1.24 आप पॉइंट मीन्स पहले जो आपके टू डिजिट्स हैं सो 100 124 मल्टीप्लाई बाय 100 100 से 100 कैंसिल हुआ तो 125 के पास परसेंटेज आ गई. नाउ 0.8 डिजिट आपके पास वन डिजिट है अब बिफोर पॉइंट सो 10 और मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि आपने परसेंटेज बनाना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे. 10 ones are 10, 10 tens are 100, 10 ones are 80 percentage. जब आप एग्जाम में आपके परसेंटेज निकाली जाती है तो यही मेथड होता है कि अगर आपने 900 में से 825 नंबर गेन किए हैं और आप इसको फिर मल्टीप्लाई कर दें 100 से तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी 825 डिवाइडेड बाय 900 एंड मल्टीप्लाई बाय 100. नाउ क्वेश्चन नंबर डी चेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू परसेंटेज. अब हमें इसको भी परसेंटेज में चेंज कन्वर्ट करना है तो हम 100 से करेंगे मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 4 ones are 4 एंड 4 25s are 100 25 ones are 25 percentage. 5/8 5/8 मल्टीप्लाई बाय 100 4 2s are 8 4 25s are 100 25 5s are 125 2. अब आप 125/2 को डिवाइड कर लेंगे टू सिक्स आर ट्वेल्व फाइव टू टू आर फोर और आपके पास वन रिमाइंडर बचा सो आंसर इज 62 right 1/2 62 right 1/2 percentage. ना 4/5 मल्टीप्लाई बाय 100 5 ones are 5 5 20s are 100 एंड 24s are आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 20s are 24s are 80 percentage. 8/15 मल्टीप्लाई बाय 100 5 threes are 15 5 20s are 100 नाउ मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 20 28s are 160/3. अब आप 160/3 को डिवाइड कर लें 3 5s are 15 माइनस 1 जीरो उतारा आपने 3 3s are 9 माइनस 1 सो आंसर इज 53 right 1/3 percentage. 5 17/20 मल्टीप्लाई बाय 100 20 ones are 20 25s are 100 और 17 5s are 85 percentage. नाउ क्वेश्चन नंबर ई विच इज ग्रेटर 0.05 और 6% विच इज ग्रेटर. आप पहले कन्वर्ट करें इसको फ्रैक्शन में डेसिमल को तो 5/100 पॉइंट एंड आफ्टर पॉइंट टू डिजिट्स तो 100 और 6% मीन 6/100 तो 5/100 एंड 6/100 इक्वल डिनोमिनेटर्स विच आर ग्रेटर सो 6/100 ग्रेटर इस मीन 6% ग्रेटर 0.9 or 9% 0.9 मीन्स 9/10 क्योंकि आपके पास डेसिमल से पहले एक डिजिट है तो आपका एक जीरो आएगा और 9% मीन 9/100. अब आपको 10 को 100 के इक्वल लाना है सो वी मल्टीप्लाई बाय 10. जब मैं डिनोमिनेटर को करूंगी 10 से मल्टीप्लाई तो मैं न्यूमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करूंगी 10 9s are 90 एंड 10 10s are 100 और 9/100. नाउ बोथ फिगर आर सेम डिनोमिनेटर तो 90/100 और 99/100 सो 90/100 इज ग्रेटर इस मीन्स 0.9 इज ग्रेटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2.5 और 6% 2.5 मीन्स
25 upon 10. Before decimal, only one digit, so 10 or 6 percentage means 6 upon 100. Now we equal 10 multiplied by 10. 10 जब मैं आपको 10 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करूंगी तो मैं न्यूमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करूंगी और 6 अपॉन 100. सो 20 टेन्स आर 250 एंड 10 टेन्स आर 100 और 6 अपॉन 100. सो डिनोमिनेटर इक्वल 100 100, 250 आर ग्रेटर साइन, सो 2.5 इज ग्रेटर. 0.09 और 9 परसेंटेज, 0.9 मीन्स 9 अपॉन 100 और 90 अपॉन 100, इट्स मीन 90 परसेंटेज इज ग्रेटर. 1 अपॉन 4 और 20, 1 अपॉन 4 और 20 परसेंटेज मीन्स 2 अपॉन 100. 1 अपॉन 4 को आपने इक्वल करना है 100 के, तो 4 25 आर 100. सो 20 अपॉन 100 और 25 अपॉन 100, इट्स मीन कि 25 अपॉन 100 इज ग्रेटर, यानी कि 1 अपॉन 4 इज ग्रेटर. 8 अपॉन 5 और 150 परसेंटेज, 8 अपॉन 5 और 150 परसेंटेज मीन 1 अपॉन 100. अब 8 अपॉन 5 को आपने इक्वल करना है 100 के, तो 5 20s आर और 8 20s आर, 8 20s आर 160 एंड 5 20s आर 100 और 150 अपॉन 100. तो 160 अपॉन 100 एंड 150 अपॉन 100 मींस कि 160 अपॉन 100 इज ग्रेटर, सो 8 अपॉन 5 इज ग्रेटर. ओके स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक, एक्सरसाइज नंबर 7.2, क्वेश्चन ए बी सी डी ई. क्वेश्चन ए 1 2 3 4 8 9 and 10 क्वेश्चन, क्वेश्चन बी 1 to 5 क्वेश्चन, क्वेश्चन सी 1 to 6 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी ए 1 to 8 क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर ई 1 to 6 क्वेश्चन इन योर कॉपी. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.